गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जेएस मिल की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। जेएस मिल का बेंथमवादी उपयोगिता के मूल तत्वों से अलगाव 1859 में प्रकाशित पुस्तक उनकी ऑन लिबर्टी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 19वीं सदी के मध्य में तत्कालीन परिस्थितियों ने इंग्लैंड में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख विचारणीय प्रश्न बना दिया था। बेंथम और उसके प्रतिवादी अनुयायियों के सुधारवादी कार्यों से नागरिकों के जीवन पर शासन का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। शासन द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का अपने निर्देशन सिद्धांत स्वीकार कर लिए जाने के कारण सरकारी यंत्र का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और शासन के इस बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में मिल के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वतंत्रता की रचना की, ऑन लिबर्टी, जिसकी तुलना इस विषय पर मिल्टन की पुस्तक एरोपोजिटिका से की जा सकती है। डनिंग ने लिखा भी है, मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिल्टन जैसे उत्साह और उससे अधिक कुशाग्र बुद्धि के साथ समर्थन किया है। यह न केवल व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप वरन जनमत और परंपराओं के दबाव से भी व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता की रक्षा का सशक्त समर्थक है। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन और समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया। प्रथम आधार था व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समस्त समाज की दृष्टि से। मिल सत्य रूप में यह मानता था कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम और अधिकतम विकास है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। यदि व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो मानव का मूल लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। दूसरा आधार समाज की उन्नति और विकास से संबंधित है। समाज व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है और समाज की उन्नति के लिए भी यही नितांत आवश्यक है कि व्यक्तियों को विचार एवं कार्य के क्षेत्र में अधिकतम स्वाधीनता दी जाए। व्यक्ति जब अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न दशाओं में आगे बढ़ेंगे तभी समाज अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया है। प्रथम है विचार की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्य स्वतंत्रता। तो आज अपन इस वीडियो में मिल की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। मिल विचार स्वतंत्रता कट्टर समर्थक था और इस संबंध में उसका मूलभूत विचार यह था कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की ही विजय होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा या भावव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी प्रकार का दमन करना या सत्य का दमन करना है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सामान्य स्वीकृति विचार सत्य हो। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है या मिथ्या, या आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या। यदि सत्य मत को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। यदि वह मत मिथ्या है तो भी उस पर रोक लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या मत का अंत कर देगा, जिससे मिथ्या मत रखने वाला भी सच्चाई से परिचित हो सकेगा और मिथ्या मत का अंत करने के कारण सत्य अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। अधिकारी वर्ग का यह दावा है कि वे समाज को हानि पहुंचाने वाले मतों को रोककर जनता की भलाई कर रहे हैं, उचित नहीं है।
क्योंकि जनता स्वयं ही मिथ्या मत को नहीं मानेगी। यदि कोई विचार केवल आंशिक रूप से सत्य है तो भी प्रतिबंध लगाना उचित नहीं, क्योंकि उसमें कुछ तो सत्य है ही। सत्य को हम नित्य विरोधी विचारों के संपर्क में लाकर ही जीवित रख सकते हैं, क्योंकि सत्य विवाद के किसी एक पक्ष की बपौती नहीं है। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और ये विभिन्न पक्ष परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक होते हैं। वास्तव में विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर ही हम सत्य के पूर्ण रूप को समझ सकते हैं। सत्य को हम नित्य विरोधी विचारों के संपर्क में लाकर ही जीवित रख सकते हैं, क्योंकि सत्य विवाद के किसी एक पक्ष की बपौती नहीं है। ओके, मिलने ने केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन सनकी व्यक्तियों को अर्थात पागल व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने की दी है, क्योंकि उसका कहना है कि जिन्हें एक जमाने में सनकी समझा गया था वे आज महान व्यक्ति समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने जमाने में सनकी ही तो समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्य हैं। इस संबंध में उसका कथन है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 2 निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राजकीय वरन असहिष्णु समाज बहुमत और परंपराओं के दबाव से भी करने के लिए प्रयत्नशील था। सेवैन का विचार है, मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, वरन ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपनी संख्या के जोर से उन्हें दबा देना चाहता है। मिल का विचार था कि बहुमत सदैव ही ठीक नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिल इस बात पर बल देता है कि शासन को किसी प्रकार के दमन का अधिकार प्राप्त हो ही नहीं सकता, चाहे उसमें जनता का ही समर्थन क्यों नहीं हो। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। मिल के शब्दों में यह हानिकारक है, जबकि शासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है, और उस समय इससे भी अधिक हानिकारक है जबकि इसका प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानवता एक ही विचार की हो के यानी किसी बिंदु पर एक व्यक्ति अलग विचार रखता हो और शेष व्यक्ति अलग विचार रखते हो, तो भी मानवता को इस एक व्यक्ति को मौन रखने का अधिकार नहीं है, जितना कि उस एक व्यक्ति को यदि उसके पास शक्ति हो तो संपूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार नहीं हो सकता। समझ गया? यदि एक व्यक्ति एक तरफ है और शेष व्यक्ति एक तरफ है, जिस प्रकार वो एक सिंगल व्यक्ति शेष व्यक्तियों को अपने पक्ष में नहीं कर सकता दबाव से, उसी प्रकार शेष व्यक्ति उस एक व्यक्ति को अपने दबाव में नहीं कर सकते। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बनकर मिलने वास्तव में इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार विमर्श के विश्वास को ही मान्यता दी है। ओके, जय हिंद।